करने का उद्देश्य पढ़ा है ना, और फिर पढ़ना की बात ये ख्याल करना है कि जिन लोगों में सामर्थ्य है उन लोगों को कहेंगे कि सामर्थ्यों को सिद्धांत के साथ मिला दीजिए, सामर्थ्यों को सिद्धांत के साथ मिला दीजिए, सामर्थ्यों को सिद्धांत के साथ मिला दीजिए। हम अपने सूक्ष्मीकरण का पूरा दबाव इस बात पर डाल रहे हैं कि लोग बाग अपनी सामर्थ्य को सिद्धांतों के साथ मिला दें, और जहाँ सामर्थ्य को सिद्धांतों के साथ मिलाया फिर वो इतने ताकतवर आदमी होंगे कि लोगों के पास जहाँ भी जाएंगे, जिनसे भी कहेंगे, जो भी कहेंगे, लोग उनकी बात को ज़रूर मानेंगे। हमारी बात को ज़रूर माना है लोगों ने, अब तक कितने लाखों आदमियों ने माना है, आप भी उन्हीं में से हैं। और इससे आगे हमारी सूक्ष्मीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है, हमारा ऐसा ख्याल है कि जितने भी सामर्थ्यवान आदमी हैं ये हमारा कहना ज़रूर मानेंगे, पैसे वाले हमारा कहना, हमारा विश्वास है, ज़रूर मानेंगे, विद्वान हमारा कहना ज़रूर मानेंगे, शक्तिवान कहना हमारा ज़रूर मानेंगे, राजनीति नैतिक हमारा ज़रूर मानेंगे। क्यों आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि हमारे मन ने हमारी बात मान ली और अपने मन को अपनी बात मनाने के लिए हमने रवन कर लिया। आपसे वही बात कहते हैं जो हमारे गुरु ने हमसे कही थी, वही हम आपसे कहते हैं, और कोई बात हम नहीं की, जो गुरु ने हमसे कराया था वही हम आपसे करा रहे हैं। हमने अपनी शक्तियों को जो स्वयं की कमाई हुई थी अथवा भगवान की दी हुई थी या पहले जन्मों की थी, हमने खाई नहीं है, उसमें से सब हमने बोई, और बोने के बाद में हम मालदार होंगे। आपसे हमको सिर्फ एक बात कहनी है, दूसरी कुछ नहीं कहना। यहाँ बुला करके गुरु जी और कुछ कथा कहिए, नहीं और कोई कथा नहीं हमारे पास, और कोई रामायण सुनाइए, कोई मंत्र सुनाइए, एक ही मंत्र है हमारे पास। कौन सा मंत्र है? कि सिद्धांतों को जीवन में शामिल कर लीजिए। हमने सिद्धांतों को जीवन में शामिल किया है, आप भी शामिल कीजिए। क्या शामिल करें? बस एक बात शामिल कीजिए कि आपके पास कम से कम दो चीज़ें, विद्या आपके पास है कि नहीं हमें नहीं मालूम है, आपके पास दौलत है कि हमको नहीं मालूम है, लेकिन साधन थोड़े और बहुत ज़रूर आपके पास, और आपके पास श्रम जरूर पास है। आप ज़रूर श्रम करते हैं, खाना खाने में श्रम करते हैं, नहाने में श्रम करते हैं, टहलने में श्रम करते हैं, कपड़ा धोने में श्रम करते हैं, कहीं ना कहीं तो श्रम करते हैं। श्रम से ज़्यादा गरीब कोई दुनिया में नहीं हो सकता जो आदमी ये कहे कि हम श्रम नहीं कर सकते, और कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो ये कहे कि हम नंगे फिरते हैं और हमारे शरीर पर तन ढकने का कपड़ा नहीं है। हम उसी में से मांगते हैं। हम कब कहते हैं कि आप करोड़ रुपया दीजिए? हम कब कहते हैं कि आप हमको अमुक चीज़ दीजिए? जो आपके पास है उसी चीज़ को आज की मनुष्य की आवश्यकता है, बेहद जरूरी आवश्यकता है। आपका कल्याण तो उसमें है ही।